शिवसेना हिंदुस्तान ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उनकी संस्था हिमाचल में हिंदुओं के हितों को लेकर आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन विघटनकारी ताकतें उनकी युवा प्रदेशा अध्यक्ष को ये गतिविधियां करने से रोक रही है और डरा धमका रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान जिला तहसील और खंड स्तर पर अपनी शिव शक्ति सेना को मजबूत करेगी और आने वाले समय में चुनावों में भी भाग लेगी। इस मौके पर शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि पंजाब में नशे ने युवाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसलिए वहां पर नशे पर नकेल कसने के लिए नशे के सौदागरों को सजाए मौत देने का ऐलान किया है। उसी तर्ज पर वो चाहते हैं कि हिमाचल में भी ये कानून लागू हो, ताकि हिमाचल नशे के मामले में पंजाब न बन पाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अपनी संस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने 9 विंगों को तैयार किया है, जो घर घर जाकर शिवसेना के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देंगी और हिमाचल में लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नेताओं को विशेष रूप से दिशा निर्देशित किया गया और ये फैसला हुआ कि शिवसेना हिंदुस्तान समेत पार्टी के 9 अग्रणीय मोर्चों की स्थापना की जाएगी, जो हिमाचल में नशे का कारोबार चल रहा है, जिससे हिमाचल के युवाओं को नशेड़ी बनाने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ आज ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे। जिस तरह पंजाब में नशे के कारोबारियों के खिलाफ मौत का सजा देने का प्रावधान किया गया है, शिवसेना हिंदुस्तान ये चाहेगी कि हिमाचल की जनता को भी नुकसान पहुंचाने वाले, उनको नशे के जाल में फंसाने वाले, युवाओं का सर्वनाश करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार सजा निश्चित की जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो युवा सेना इकाई के हिमाचल के हैं, उनको भी पिछले दिन ही गैर समाजी अंसरों और आतंकवादियों से धमकियां प्राप्त हुई हैं कि हिंदुत्व का काम जारी ना रखें, हिमाचल की जनता के हित में संघर्ष ना करें। हमने उसका भी सोलन पुलिस के संज्ञान में लाया था। आज हम DGP हिमाचल के समक्ष ये भी बात महत्वपूर्ण ढंग से उठाने वाले हैं।